अजमेर कलेक्टर के निर्देश पर सभी इंसिडेंट कमांडर द्वारा पॉजिटिव परिवारों से मुलाकात कर उनसे हालचाल जाना गया और उनको आने वाली परेशानी की जानकारी ली गई। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित खुद भी अलग अलग स्थानों पर पहुंचे और परिजनों से फीडबैक लिया गया और समस्याओं की जानकारी लेते हुए उन्हें सुविधाओं के प्रति आश्वस्त भी किया गया। अजमेर एडीएम व कोविड 19 कंट्रोल रूम प्रभारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी इंसिडेंट्स कमांडर को कोविड 19 पेशेंट की जानकारी हेतु लगाया गया। इस दौरान सभी अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों से फीडबैक लेने पहुंचे, जहां किसी तरह की समस्या सामने नहीं आई है और प्रशासन द्वारा सभी को आश्वस्त किया गया कि अगर वह किसी भी तरह से परेशान होते हैं तो तुरंत प्रशासन को अवगत कराया जाए, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। जिला कलेक्टर महोदय ने यहाँ की शहर की व्यवस्थाएं बनाने के लिए और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके और कोविड से रिलेटेड और अन्य चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए इंसिडेंट कमांडर्स नियुक्त कर रखे हैं, जो आरएस अधिकारी हैं। उनको आज जिला कलेक्टर महोदय ने ये टास्क दिया था कि वो सभी कोविड पेशेंट्स हैं उनके व्यक्तिगत रूप से उनके घर जा कर के और उनसे ये पूछें कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, दवाइयाँ समय पर मिल रही है, खाने वगैरह की क्या व्यवस्था किस तरह से होती है, उनसे कोई जो कमेटी बना रखी है उनसे कोई संपर्क करता है नहीं करता है, कोई मिलने आता है कि नहीं मिलता है, मिलने आता है, और आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूछ के ये पता लगाया गया कि कहीं कोविड पेशेंट बाहर तो नहीं निकला है जिससे कोई दूसरों को संक्रमित होने की संभावना हो। तो इसके लिए पूरे दिन आज सुबह से ही सारे इंसिडेंट कमांडर्स फील्ड में अपना सर्वे कर रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने भी पूरा सुबह पूरा विजिट किया है और अभी शाम को भी एक और राउंड लगाया है और व्यवस्थाएं सब जगह सुचारू पाई हैं और जो भी जिला कलेक्टर महोदय ने भी कुछ पेशेंट्स के साथ में इंटरेक्शन किया है, उनसे पूछा है, तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई और